जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वांड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये होगी विकास शर्मा जी के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो भारत चैनल के, आर भारत के, रिपब्लिक रिपब्लिक चैनल के रिपोर्टर थे, एंकर थे और वो होस्ट करते थे एक शो को, एक चैनल पे जिसका नाम था भारत की बात। और ये 9 बजे आता था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वो होस्ट करते थे और बहुत सारे बातों में उन्होंने अपना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें उन्होंने अपनी ओपिनियन शेयर की थी और बहुत ही अच्छे रिपोर्टर थे, पत्रकार थे। तो यहाँ पे उनकी जो ये अचानक से जो मृत्यु हुई है, 35 की उनकी शायद उम्र थी, 35-36 ईयर्स की उनकी एज थी और उनकी अचानक जो सडन डेथ हुई है, इससे बहुत सारे उनके जो फैंस हैं वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या ये एक इवेंट था, एक नेचुरल इवेंट था या फिर कुछ प्लान तरीके से उनको मारा गया है। तो क्योंकि उन्होंने सुशांत के केस में भी आगे बढ़कर बहुत कुछ कहा और सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए फाइट किया, उसके अलावा उन्होंने अभी जो किसान रैली हुई उसमें भी उन्होंने काफी अपनी रिपोर्टिंग में कई चीजें बोली थी। 26 जनवरी को जो अटैक हुआ था लाल किले पे, जो झंडा फहराया गया था, तो इन सब चीजों में लगातार वो बोलते रहे। तो क्या ये कुछ प्लान तरीके से कॉन्स्पिरेसी की गई है उनके खिलाफ या फिर ये एक ऐसा एक नेचुरल इवेंट हो गया कि उनकी कोविड-19 जो है उसकी वजह से मृत्यु हो गई। तो चलिए जानते हैं हम क्या रहा उनकी डेथ का मेन रीजन। और मैं साथ ही साथ शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया, एंड आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर इज मेंशन ऑन द स्क्रीन, आप उन्हें कॉन्टेक्ट करें फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो। एंड उसके साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप इस चैनल को, एक रेड कलर का बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं कि विकास शर्मा की मृत्यु का असली कारण क्या रहा, क्या वाकई में उनकी मृत्यु का जो कारण था वो कोविड-19 था या फिर ये कुछ प्लान तरीके से उनकी डेथ को, उनकी मृत्यु को अंजाम दिया गया है। विकास शर्मा, व्हाट इज द मेन मोटिव, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड हिज डेथ, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड हिज सडन डेथ, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड हिज सडन डेथ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम, एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम। उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ विकास शर्मा जो जो थे रिपोर्टर एंकर आर भारत के, उनके साथ इनजस्टिस किया गया है। शायद उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो काम कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इनजस्टिस हुआ है उनके साथ। तो देखते हैं क्या ये इनजस्टिस है उनके साथ जो हुआ है। ये सिग्निफिकेंट कार्ड है, इसको मैं यहाँ पे अलग से रख लेती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, हॉस्ट ऑफ हॉस्ट मीन्स गिव मी मोर क्लैरिफिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मिस्टर विकास शर्मा एंकर ऑफ आर भारत, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम, व्हाई सडन डेथ, व्हाई वाज देयर सडन डेथ, प्लीज गिव मी थ्री मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स, ओके, 1, 2 पैरन कार्ड एंड 3, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी थे अपने, जो उनका स्केड्यूल था, जैसा कि मैंने कहा कि वो उनका जो स्केड्यूल था वो बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल था और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ जो थी वो खराब होती चली गई। कुछ ऐसा प्रेशर उन्हें जरूर था, काम का भी प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसा वर्क प्लेस पे प्रेशर होता है सबको ही, वैसा ही कुछ प्रेशर यहाँ पे मुझे दिख रहा है काम का। तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो काम कर रहे थे। और यहाँ पे हम देखें तो ट्रेजर का कार्ड है, गुड न्यूज का कार्ड है और यहाँ रिलेशनशिप का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। तो और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो काफी बिजी हैं, अपनी फैमिली को भी वक्त नहीं दे पा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर ये पर्सन जो है इसके ऊपर ये तलवार लटक रही है, जैसे कोई डेडलाइन है, कोई काम करना ही करना है, फिनिश करना है उसको। और यहाँ पे ही दिस पर्सन इज बिजी विद हिज वर्क, ये उनकी वाइफ है जो उनको, उनसे बात करना चाह रही है लेकिन इनके पास समय नहीं है। और साथ ही साथ आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रीचर है, इनकी फैमिली, इनके बच्चे हो सकता है। तो जो भी है इनकी लाइफ कुछ इस तरीके से हो गई थी और ये लगातार मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि अचानक से कोविड के लिए गए हैं ये।
ये बीच बीच में लगातार मेडिकल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे और ये दवाइयों पे थे, ऐसा यहाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि ये व्हाइट ड्रेस है। आप इमेजिन करिए जैसे ये किसी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, व्हाइट ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है जो हॉस्पिटल का ड्रेस होता है, और ये तलवार इन पर लटक रही है, और साथ में ये लोग यहाँ, इनकी वाइफ यहाँ बैठी हुई है इनसे बात करने के लिए। तो कुछ ऐसे थे, इनकी तबीयत पहले से ही खराब थी, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से कोविड हुआ और ये बीमार हो गए। तो ये पहले से भी इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ दिख रही हैं, लेकिन ये बिजी बहुत थे अपने काम में, जिसकी वजह से अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। इसके अलावा भी अगर हम कार्ड्स देखें तो कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, और एक पेज का कार्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई पर्सन है ऐसा जो लगातार सबसे कुछ रिपोर्ट्स मांग रहा है या कुछ ऐसा, तो सबको अपने काम ये सब करने हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी भी लग रहा है, क्योंकि जैसे उनका ऑर्गन फेलियर से जो उनकी डेथ हुई है, यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसको ऑर्गन से भी कंपेयर करें, हार्ट है यहाँ पे ऑर्गन्स, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें, यहाँ जैसे ये डॉक्टर है जो उनकी मेडिकल टीम है जो उनको देख रही थी, तो यहाँ पे वो लोग अपना काम तो कर रहे थे, दे वर डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पे अगर हम हार्ट का कार्ड, हार्ट है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये लोग तो उनका काम देख ही रहे थे, उनकी हेल्थ देख ही रहे थे। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मैसेज गया है, और फिर ये कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड है। तो ये यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी जो डेथ हुई है, कुछ उसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, मतलब मेडिकल टीम्स जो थी वो भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियसली उन्होंने काम किया है। और यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यहाँ पे ही हो गया था। और ये अगर आप देखें तो ये दो कार्ड्स कहीं ना कहीं पैसे को दिखाते हैं, फाइनेंसेस को दिखाते हैं। तो ये हो सकता है कि जिस भी हॉस्पिटल में वो गए थे, हो सकता है वहां पर कुछ ऐसी चीज हुई है, और हॉस्पिटल का मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा काम रहा, मतलब ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कि शायद वो जितना अच्छा काम हो सकता था वो नहीं था। देखिए उनकी हेल्थ तो यहाँ पहले से ही दिख रही है कि पहले से ही वो बहुत काम में बिजी थे, हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे अपनी, ये क्लियर है। यहाँ पे इनजस्टिस का कार्ड है, यानी कि उनके साथ धोखा हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। अब ये धोखा और इनजस्टिस किसने करा है, ये हमें क्लैरिटी लेनी होगी। और साथ ही साथ कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ और निकाले हैं, इनको मैं रख देती हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये जानना है कि उनके साथ ये धोखा किसने किया, ये जो इनजस्टिस किया गया है, क्या ये मेडिकल स्टाफ ने किया है, या फिर ये जहाँ काम करते थे उस कंपनी में इनके साथ ऐसा हुआ है, या कोई और ही पर्सन था जिन्होंने इनके साथ धोखा किया है। कुछ धोखा जरूर हुआ है, झूठ या फिर इनजस्टिस हुआ है इनके साथ, तो ये चीज डेफिनेटली मुझे जाननी है। तो थोड़ा इसकी क्लैरिटी लेते हैं कि ये कौन है जिन्होंने इनजस्टिस किया। यहाँ पे इनकी हेल्थ खराब थी फिर भी ये जा रहे थे, तलवार लटक रही थी इनके ऊपर, आप देखिए, यानी कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था, और ये मेडिसिन पे ऑलरेडी पहले से ही थे, वर्क प्रेशर ज्यादा था, और यहाँ पे इतना ज्यादा वर्क प्रेशर था, साथ में इनजस्टिस, इनजस्टिस का कार्ड आया है। जैसे अब देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं कि गिव मी वन कार्ड फॉर मेडिकल स्टाफ वेयर ही वॉज एडमिटेड, द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज एडमिटेड, वन कार्ड। ओके, गिव मी वन कार्ड फॉर द एम्प्लॉयर वेयर ही वॉज वर्किंग। ओके, नाउ गिव मी वन कार्ड फॉर हिज एनिमीज, और जो उनके दुश्मन थे, जो उनके साथ, जो उनको पसंद नहीं करते थे। और फिर ये ऑर्गन फेलियर, मतलब ये जो ऑर्गन फेलियर हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक ये कार्ड हमें आया है उनके एम्प्लॉयर के लिए, जहां वो काम करते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयर जो थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छा है बाकी सबके साथ। तो यहाँ पे एक बैलेंस तो था, ऐसा नहीं लग रहा कि वर्क प्लेस की वजह से कुछ हुआ है। अब अगर हम बात करें उनकी डॉक्टर की कंडीशन की वजह से, तो यहाँ लग रहा है मेडिकल टीम को कोई मैसेज पहुंचा, मेडिकल टीम जो थी तो उनके पास कोई ना कोई मैसेज पहुंचा। किसका मैसेज पहुंचा? उनके दुश्मनों का, आप देखिए। और उस मैसेज में मैसेज पहुंचा मेडिकल टीम के पास, और ये फाइनेंसिस का कार्ड है, यानी कि पैसा दिया गया। मतलब यहां मैं किसी का कोई नाम नहीं लेना चाह रही हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, और ये फाइनेंसिस,
मतलब कुछ ना कुछ खजाना और फाइनेंशियल गेन जो है वो यहाँ पे हुआ है कुछ कुछ लोगों को, जहां उनकी हेल्थ का ट्रीटमेंट चल रहा था ऐसा यहाँ पे मुझे कार्ड्स में लग रहा है, और यहाँ पे ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, तो थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी, मतलब यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई है और फाइनेंसिस को लेकर के इन्फ्लुएंस किया गया है, कुछ ना कुछ पैसे की बात यहाँ हुई है, तो ये एम्प्लॉयर का तो नहीं लग रहा है, एम्प्लॉयर के लिए तो पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा। पहले मुझे लग रहा था कि ये कार्ड डॉक्टर्स के लिए आया है, लेकिन नहीं, ये कार्ड आया है उनके एम्प्लॉयर के लिए जो एक बहुत ही अच्छी पर्सन है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पर्सन है। लेकिन ये इनजस्टिस किसने किया, गलत किसने किया, ये जो पूरे स्टार्स हैं इस भीड़ में, कम से कम 2 स्टार्स छुपे हुए हैं आप देखिए, तो यही कुछ कार्ड सुशांत के केस में भी आए थे, और ये मर्डरर्स जो थे हो सकता है कि जो स्टाफ था उनमें ही कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, 2 मर्डरर्स जिन्होंने ये काम किया है। क्या काम किया है, ऑर्गन फेलियर का। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनकी हेल्थ खराब नहीं थी, हेल्थ तो उनकी काफी समय से खराब जरूर थी, लेकिन ये जो टीम थी उस टीम में देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले कार्ड यही हमें दिखा था, मोस्ट सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 2 स्टार्स हैं, ये 10 ऑफ 10 ऑफ 10 ऑफ सन है, यहाँ पे 10 स्टार्स बने हुए हैं, लेकिन 2 जो है इस भीड़ में छुपे हुए हैं, तो ये वही लोग हैं जो मेडिकल स्टाफ हो सकता है, जो लोग हो सकते हैं जो उनको देख रहे थे, उनके आसपास मौजूद थे, उनमें से ही कोई 2 पर्सन जो थे वो किसके किसके लोग थे, वो थे इनके जो इनके राइवलरीज थी, जिनको इनसे प्रॉब्लम थी, जिनके खिलाफ ये बोलते थे, चाहे 26 जनवरी के लिए इनमें इन्होंने बोला हो या फिर इन्होंने सुशांत के केस में भी बहुत बोला था, तो सब उससे ज्यादा मेन जो है 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसमें भी उन्होंने बोला था भारत की बात में, तो यहाँ डेफिनेटली वो जो लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये 2 पर्सन को इस टीम में शामिल किया, क्योंकि देखिए हम ये लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं, और ये ऑर्गन फेलियर का जो बातें बताई गई हैं ये उसके बाद ही की गई हैं, तो यहाँ पे ये मैसेज पहुंचाया गया किसके पास, टीम के पास, या फिर ये जो पर्सन था ये टीम के पास पहुंचा यहाँ पे, और ये फाइनेंसिस फाइनेंशियल गेन और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, क्योंकि यहाँ पे हार्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रोका गया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रोका गया और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की सिचुएशन ऐसी बना दी गई, तो ये मुझे नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और इस समय अगर उनकी स्पिरिट की बात करें तो काफी दुखी है, यहाँ पे 8 नंबर कार्ड है, आइसोलेटेड फील कर रही है और दुखी है, तो खैर ये तो मैं किसी और वीडियो में इनकी स्पिरिट के ऊपर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्लियर है कि इनकी हेल्थ काफी समय से खराब थी, मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी इनकी, और ये एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर इनके साथ थे, ठीक था, ये मेडिकल जा भी चेकअप भी करवा रहे थे, अपना ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, जो एम्प्लॉयर जिन्हें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये काम भी कर रहे थे, बिजी भी थे, लेकिन इन पर तलवार लटक रही थी। अभी जो तलवार इनके ऊपर थी वो किसकी थी, ये उन लोगों की थी जिनसे जिनके बारे में इन्होंने बोला था, और उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेजर यानी कि पैसे का पैसा जो था वो भिजवाया, किसके पास भिजवाया, जो भी इनके आसपास थे, जो टीम थी इनके आसपास, वहां तक पहुंचाया गया है, और वहां पे 2 लोग जो थे वो इन लोगों के साथ मिले हुए थे उस टीम में, और वही 2 लोगों ने ये ऑर्गन फेलियर का जो सब किया है वो किया, और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो लाइफ थी, एक बर्ड यहाँ पे दिख रही है आपको, तो वो यहाँ से चले गए, और ये द कम्प्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब उनकी ये साइकिल जो थी ये फिनिश हो गई, तो ये यहाँ पे मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मुझे यही लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, आपको और कौन से किस बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, एंड टेक केयर, जय श्री राम, जय भारत।